حي على الفلاح. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहला मसला यह आता है कि वो दोस्ती किससे करे, वो किसको अपना दोस्त बनाए। यहां पर इंसान बहुत बड़ी घाटी के अंदर जाकर के गिर पड़ता है, दोस्त किसको बनाए। इसलिए कि आमतौर पर दोस्त बनाने का मेयार क्या है, किसी का चेहरा खूबसूरत हो वो दोस्त बने, किसी के पास माल हो वो दोस्त बने, किसी का कारोबार अच्छा हो वो दोस्त बने, किसी का खानदान अच्छा हो वो दोस्त बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेयार दोस्ती ये है, दौलत होनी चाहिए, माल होना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए। इस तरीके से इंसान दोस्त तलाश करता है। और अक्सर आज तो दोस्ती का मेयार ये है कि जहां पर दौलत होगी वहां लोग ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि बुरे वक्त में ये दोस्त मेरे साथ आ सके, मेरे काम आ सके। मगर याद रखें, हम दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर इस्लामी कानून के मुताबिक हम दोस्त नहीं बनाते। नतीजा यह होता है कि दोस्त जो है वो माज़ अल्लाह कभी हमें धोखा दे देते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह हू अकबर दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, कभी दोस्त ही बिगाड़ का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही अल्लाह हू अकबर जिना के अड्डे, शराब के अड्डों तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही ताश के पत्ते और जुओ तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं। दोस्त किसे बनाया जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो है जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे खुदा की याद दिलाए, जब तू गुनाह करे तो वो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर दिखाए, तुझे खुदा की खशियत की तरफ बुलाए। सुन लो, गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए कि जो गुनाह की तरफ ले जा रहा है, जो जहन्नम की राह की तरफ ले जा रहा है, वो दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमैज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे दोस्त हैं कयामत के दिन वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो दोस्त जो तुम्हें लड़कियों की मोहब्बत के हवाले से उभारते हो, वो दोस्त जो तुम्हें जिना के अड्डों तक ले जाते हो, वो दोस्त जो तुम्हें अपनी कस्में दे दे करके शराब पिलाते हो, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो बदतरीन दुश्मन है। सच्चा दोस्त वो है जो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, सच्चा दोस्त वो है जो तुझे मस्जिद तक ले जाए, सच्चा दोस्त वो है जब तेरे कदम डगमगा जाए तो वो तेरा हाथ पकड़ कर सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। ऐसा दोस्त दुनिया में भी फायदेमंद है, और कुरान कहता है कयामत के दिन ऐसा दोस्त तुम्हें काम आएगा। तो दोस्ती के लिए मसला होता है, हम मालदार दोस्त ढूंढते, खूबसूरत दोस्त ढूंढते, नहीं, दोस्त ऐसे ढूंढो जिनके दिल में अल्लाह की खशियत हो, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, जो बुरी आदतों का शिकार ना हो। इसलिए कि अच्छी सोहबत अच्छे अमल से बेहतर है और बुरी सोहबत बुरे अमल से बदतर है। फरमाया गया, अगर कोई बंदा इत्र फरोश की दुकान पर बैठे, इत्र वाला उसको इत्र ना भी दे तो दुकान पर बैठने से कम उसको खुशबू तो मिलेगी। और अगर कोई कोयले की या लोहार की दुकान पर बैठे तो वो उसको आग से ना जलाए तो कम से कम भट्टी के असरात तो उसके वजूद पर पड़ेंगे। और बुजुर्गों ने फरमाया, बुरा दोस्त कोयले की तरह है, अगर जल रहा हो तो वो हाथ को जख्मी कर देगा, जला देगा, और अगर ठंडा है तो कम से कम वो हाथों को काला जरूर कर देगा। यही कैफियत है अच्छे बुरे दोस्तों की। लेकिन आज दोस्ती का हाल क्या है? मफाद परस्ती है दोस्ती, मोहब्बतें खत्म हो गई। हजरत सज्जदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो है अगर उसके कंधे पर कोई हाथ रख करके कहे चल, अगर वो पूछता है कहां, फरमाते वो दोस्त नहीं हो सकता,
सच्चा दोस्त वो है कि किसी ने कंधे पे हाथ रख के कहा चल और वो चल पड़े, उसी को दोस्ती कहते हैं।